ये फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए, लेट ना हो जाऊं कहीं मैं। आगे 500 मीटर पे आपकी मौत है। 500 मीटर क्या कहा, क्या कहा इसने? आगे 400 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? अरे ये वाइपर कैसे चालू हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा? फंक्शन काम नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? डिस्प्ले सब चीजें अपने आप कैसे बिहेव कर रही हैं? आगे 300 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? कौन हो तुम? बचाओ। आगे 100 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? अरे सैनिक को क्या हो गया? देखो बचा लो। सर, लोकल पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। एक साइकिल सवार ने ये सब देखा और उसका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल करने के बजाय कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो मुझे लगता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट तो है नहीं। जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है ये नॉर्मल नहीं दिखता। जरूर यहाँ पर किसी एक्सेलरेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक्सेलरेंट? हाँ, ये किस्म का केमिकल होता है जिससे आग और ज्यादा भड़क जाती है। मुझे लगता है उसी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ज्यादा कुछ पता लगेगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी को और लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। यही है वो जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा। क्या यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या देखा तुमने? यही कार ने खून किया। कार ने? हाँ सर, ये कार पूरी पागल हो गई थी। इसका कांच, वाइपर और लाइट सब एक साथ बंद हो रहे थे और चालू हो रहे थे। ये कार अपने आप भागी जा रही थी। वो आदमी से नहीं चला रहा था, वो तो बाहर निकलना चाह रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन ये कार रुकी ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए, इस कार में भूत है। भूत? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका कारण भूत नहीं हो सकता, कुछ और होगा, वो हम पता कर लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ, रोज रात यहाँ पर एक औरत यहाँ से सफेद साड़ी पहनकर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। अच्छा, उसने तुम्हें अपना शिकार नहीं बना? पंकज आ जा, थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। नंबर प्लेट ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। देखो नंबर देखते हैं तो पता करो कहाँ का है। यार अगर कार रफ्तार से आ रही थी और अगर ब्रेक लगाए होते तो यहाँ पे तो टायर के मार्क्स होने चाहिए। टायर के मार्क्स तो दिख नहीं रहे। हो सकता है किसी ने गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए हो। सर शायद उस औरत ने ब्रेक फेल कर दिया होगा। किस औरत? सर वो साइकिल वाला बता रहा था ना कि वो औरत ने। बेटे सर मैंने डेटाबेस में चेक किया, ये कार किसी कार्तिक कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। कार्तिक कुमार? क्यों, कौन है ये कार्तिक कुमार? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी है क्या? ये सर उससे भी इम्पोर्टेंट आदमी है। सर उसने मोबाइल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। सर ये मर्डर है सर, उसकी जान ली है सर किसी ने। ये बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज है ना सर, उसके जान के पीछे पड़ गई थी सर। वो कॉमन आदमी के लिए उसने एक स्मार्टफोन बनाया था सर, और अगर इसका फोन मार्केट में आ जाता तो बड़ी बड़ी कंपनी के फोन मार्केट चौपट कर देता। आम आदमी का स्मार्टफोन? हाँ सर, उसकी कंपनी पी स्क्वायर प्लस दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स बनाती है। बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप एंड फोन्स में जो फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इस फोन में होने वाले थे, वो भी 10 गुना कम दाम में। सर
उसके कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए सर। सर फोन के बारे में कुछ बताइए अपने नए। शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। ये है कार्तिक, आपके सब सवालों के जवाब ये देंगे। इलेक्ट्रा एक्स फोन की जो खासियत है वो हमारे पी स्क्वायर प्लस फोन में वो सारी खासियत मौजूद है। जो इलेक्ट्रा एक्स फोन आपको 50,000 रुपए में मिलता है, ठीक वैसा ही फोन हमारी कंपनी पी स्क्वायर प्लस आपको सिर्फ 5,000 रुपए में देगी। लेकिन इतने कम कीमत पे आप ये हाई एंड स्मार्टफोन्स देंगे कैसे? मैंने इलेक्ट्रा एक्स में तकरीबन 5 साल काम किया। वो लोग दरअसल जो आपसे फोन की कीमत ले रहे हैं वो लागत से बहुत ज्यादा है, और उसके पीछे एक वजह भी है, शोरूम का खर्चा, प्रमोशंस, लोगों के बोनस, उनकी तनख्वाह। तो जब वो फोन बेचते हैं, आपको फोन देते हैं, तो ये सारी चीजें मिलाकर फोन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन पी स्क्वायर प्लस में ऐसा नहीं है। पी स्क्वायर प्लस आपको फोन देगी बेहद सस्ते दामों पर, क्योंकि वो आपके हाथ में आएगा डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो इसलिए वो फोन बहुत सस्ता होगा। वो सिर्फ फोन की कीमत होगी, उसके बीच में कोई भी किसी तरह की कोई कड़ी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में पी स्क्वायर प्लस फोन हो। ये फोन्स कब तक मार्केट में आ जाएंगे सर? दिवाली पे। बल्कि खुशखबरी की बात ये है कि फोन की बुकिंग भी हमने शुरू कर दी है कल से, और सिर्फ 24 घंटे में 5,000 फोन बुक हो चुके। अब बस हमें अच्छे से फोन बनाने हैं, जिसके लिए हमने अच्छी टीम हायर कर ली है। बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट प्रोग्रामर्स और बेस्ट डिजाइनर्स, ये सब मिलके एक अच्छा फोन बनाएंगे, और पी स्क्वायर प्लस आपको आपके हाथ में एक सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन देगा। तो जाहिर सी बात है कि कीमत भी कम होगी और आप सब हिंदुस्तानियों के हाथ में एक अच्छा फोन, स्मार्टफोन होगा। और इसका क्रेडिट हमारे फाइनेंसर्स को भी जाता है जो हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे मिस्टर अजीत, मिस्टर ध्रुव, मिस्टर जयदेव, काफी सॉर्टेड है। बस अब फोन बनाने हैं और लोगों को फोन देने। सर, देश के बड़े बड़े टेक गुरुओं ने पी स्क्वायर प्लस फोन के अलग अलग मॉडल्स का रिव्यू किया है, और अगर उनकी माने तो ये फोन फ्लैगशिप किलर्स हैं सर। ये फोन बाजार में किसी और ब्रांड को टिकने ही नहीं देंगे। सर, क्या ये बात सच है कि आपको दूसरी बड़ी फोन कंपनी से जान की धमकियां भी मिल रही हैं? देखिए, पी स्क्वायर फोन जो है ये कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरा सपना है, और मेरे सपने में मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए, मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में नंबर वन स्मार्टफोन हो, और इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे परवाह नहीं। सर, मैंने भी एक फोन बुक किया था। मैंने दो फोन ऑर्डर किए थे। सर, ये तो अभी चल बसे, दिवाली तक हमारा फोन आएगा कि नहीं? अब ये तो कार्तिक के इन्वेस्टर्स ही बता सकते हैं। सर, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारे करोड़ों रुपए डूब गए सर। अब हम क्या करेंगे? जिन लोगों ने पी स्क्वायर प्लस फोन के लिए हमें ऑर्डर दिए थे, उनको हम क्या जवाब देंगे? हमने भी ऑर्डर दिया था। हाँ, सबसे पहले हमें जवाब दो। रेडी, चुप रहो। देखिए, सब कुछ पहले जैसा था वैसे ही चालू रखिए। देखिए, घबराइए मत, फोन बनाना चालू रखिए। अरे, दिवाली में फोन अगर नहीं आया तो क्या हुआ? क्रिसमस में तो फोन लेकर आ सकते हैं आप लोग। और हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि फोन बंद कहाँ रहे थे। चलिए, कार्तिक ने हमें कुछ नहीं बताया, उसके ऊपर बड़ी कंपनीज, ऑनलाइन दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का बहुत बड़ा प्रेशर था सर, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और सर, उसको डर था। उसे डर था कि कहीं ये फोन कोई और कंपनी ना बना दे, इसलिए उसने बात किसी को नहीं बताई, बल्कि उसने फोन के अलग अलग पुर्जे अलग अलग कारखानों से बनवाए। अच्छा, 10 फोन जो है वो तो तुम्हारे पास होंगे? अरे नहीं सर, वो फोन भी कार्तिक के पास ही थे। अच्छा, तो 10 फोन कार्तिक के पास ही थे। कार्तिक के पास ही थे। आप लोग कौन? CID। आइए।
आप यहाँ कब से काम कर रही? 3 महीने से मैडम। और आपके पहले कौन काम करता था? कोई भी काम नहीं करता था, क्योंकि साहब तो 3 महीने पहले इस बंगले में आए ना। अच्छा, ये आपके साहब का स्वभाव कैसा था, कैसे आदमी थे? साहब तो बहुत बिजी रहते थे मैडम, वो तो बहुत कम आते थे घर पे, इसलिए तो मेरे को काम नहीं था ज्यादा सा। और पगार पूरा देते थे, पैसा पूरा देते थे मुझे साहब। हाँ, आपके साहब से मिलने यहाँ पे कोई आता था? नहीं, कोई मिलने नहीं आता था, वो तो अकेले अपने कमरे में रह के अपना काम करते रहते थे। साहब का कमरा कहाँ है, क्या वो काम करते थे? वो ऊपर है साहब। जरा कमरा दिखाइए। फेड़ी पंकज, तुम लोग यहाँ नीचे देखो, कुछ मिलता है क्या? ये कमरा है साहब का। आप लोग यहीं रुको। कह रही थी काम कम था, कमरे की हालत देखी? ये काम करती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कोई और या अपना काम करके गया। तिजोरी तोड़ दी है, लेकिन ये पैसे वैसे के वैसे ही हैं। फिर यहां से चुराया क्या होगा? शायद वो 10 फोन्स। 10 फोन चोरी की है तो चोरों के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही। रेडी पंकज। चोरी? चोरी कैसे हो सकती साहब, क्या चुराया चोर ने? घर में चोरी हुई और आपको पता नहीं? हा? नहीं साहब, कुछ नहीं पता है मुझे, यहाँ तो सब कुछ बराबर है साहब, क्या चोरी हुई है? कार्तिक के रूम में तिजोरी टूटी हुई है, देखो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? आपको कुछ नहीं पता है? सच में मुझे कुछ नहीं पता है साहब, ये भी नहीं पता कि तिजोरी है अंदर कमरे में। मुझे अंदर कमरे में जाना मना था ना साहब, वो अंदर साफ सफाई भी शायद साहब खुद ही करते होंगे, मैं कभी अंदर नहीं गई। कि कार्तिक फोन बनवा रहा था तो किसी न किसी कारखाने को तो हायर किया ही होगा। सर पता लगाओ कारखाने के बारे में, मैं सर को बताता हूँ। ये आवाज सर, कुछ डिस्टर्बेंस है, बाहर से कॉल करती हूँ। कुछ चक्कर है? इस कार्तिक के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे, शायद उसके फोन के चक्कर में। ये जितने भी पर्दे हैं सब बंद करते हैं, यहाँ पे अंधेरा करना पड़ेगा। सर, सर, ये अंधेरा क्यों किया हुआ सर? अभी पता चल जाएगा, ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करो। हाँ, कुछ आवाज है पर इतनी धीमी है कि कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट, लगता है इस घर में बग है। क्या बग? बग? अच्छा, कॉकरोच और वो छोटे कीड़े मकोड़े। नहीं नहीं साहब, मैं तो बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ साहब। हम उन बग्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो बग्स है, छोटे छोटे पावरफुल माइक्रोफोन्स जिससे घर के अंदर की सारी बातें सुन सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने फोन लगाया, फोन के स्पीकर ने ये माइक्रोफोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा, इससे पता चला यहाँ पे बग है। मतलब इधर की बात सुनने के लिए इधर ही माइक? जिसने भी माइक लगाया ना उसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया होगा साहब, कोई यहाँ आता ही नहीं था, ज्यादातर तो साहब बाहर ही बाहर रहते थे, तो किससे बात करते ना? माइक का तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। अब जरा शांत रहेंगे आप। इन बग्स को ढूंढेंगे कैसे? है ना, इस मोबाइल में ऐप है बग डिटेक्टर। ये रेड लाइट देख रहे हो ना, यहाँ पे बग है, देखो जरा। माइक्रोफोन और पिनहोल कैमरे भी लगते हैं, यहाँ पे है शायद।
घर में माइक्रोफोन और पिनहोल कैमरा लगा रखा हुआ है सर। बग्स और पिनहोल कैमरा, मुझे बग्स और पिनहोल कैमरा से मिल गए हैं, लेकिन ये सब कर कौन रहा है और इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग है किसके पास? कार्तिक के घर के अंदर ही कोई उस पर नजर रख रहा था क्या वो? सर, यहाँ कोई नजर रख रहा है। हाँ? कौन? सर पीछे एक काली गाड़ी है, वो इस बंगले के चक्कर काट रही है काफी देर से। ये नजर किस पे रख रहा है? हम पे के कार्तिक पे? कार्तिक तो मर चुका है। हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, देखते हैं हमारा पीछा करता है या नहीं। चलो पीछे पीछे आ रहा है। यार दया, ये तो लगता है तुम्हारा ही पीछा कर रहा है, देखते हैं कहां तक फॉलो करता है। पंकज, उस आदमी का चेहरा दिख रहा है? पता चल रहा है कौन गाड़ी चला रहा है? सर चेहरा तो नहीं दिख रहा सर। अब ये चेहरा नहीं दिख रहा उसका, क्या करना है? तुम लोग चिपके रहो उसको। ओके, तुम पहले पुलिस की नौकरी करते थे, उल्टे सीधे कामों की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला गया और अब तुमने जासूसी करना शुरू कर दिया है। क्यों कर रहे थे कार्तिक की जासूसी? हा? क्यों कर रहे थे? देखो दिग्विजय, अच्छी तरह सुन लो, गैर कानूनी जासूसी करने के जुर्म में तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा, मैं समझे? गैर कानूनी? हाँ गैर कानूनी। सर मेरे पास लाइसेंस है, पुलिस की नौकरी छूटने के बाद मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया और कार्तिक के ऊपर छानबीन करने के लिए मुझे असाइनमेंट दिया गया था। किसने दिया था तुम्हें असाइनमेंट? सीधे सीधे जवाब दो वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे ना? केस फाइल करो इसके खिलाफ, उठाओ इसे। नहीं सर, मैं बताता हूँ। तुम बताओ। मुझे असाइनमेंट इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा एक्स फोन्स, उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया था, कार्तिक के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल्स जानना चाहते थे। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इलेक्ट्रा एक्स फोन्स। सर आपको जो कुछ भी पूछना कोर्ट में पूछिए, हमारे क्लाइंट वैभव आपसे बात नहीं करेंगे। वैभव, कार्तिक के घर में क्लोज सर्किट कैमरा तुमने लगवाया, कार्तिक पर जासूसी करने के लिए दिग्विजय को तुमने हायर किया। आया ना? आया ना? मेरे क्लाइंट इस वक्त कुछ नहीं बोले। आप जरा, I'm sorry। वैसे यही सोच रहा था कि हमारी डिस्कशन बड़ी बोरिंग होते जा रही है, क्यों नहीं इसे हम इंटरेस्टिंग करें? क्यों है ना, इंटरेस्टिंग कर देते हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ फ्रेडी, पंकज प्रेस वाले को क्या कहना है, क्या बोलना है मैं बताता हूँ। देखो, कार्तिक की हत्या में इलेक्ट्रा एक्स फोन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वैभव का हाथ है, हो सकता है। नहीं मतलब सीआईडी इसको पुष्टि नहीं कर रही, क्योंकि वैभव ना तो हाँ कह रहा है ना तो ना कह रहा। दिखाओ मुझे क्या लिखा है। गुड, जल्दी फ्रेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुमने तो सुन लिया हम लोग क्या बोलने वाले हैं प्रेस वालों को, अगर ये बात पेपर में छप गई तो पता है ना इलेक्ट्रा एक्स फोन कंपनी की हालत क्या होगी मार्केट में। इसे क्रैश कहते हैं। इसे सर बिलीव मी, कार्तिक कुमार की हत्या मैंने नहीं करवाई सर। सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कुछ मत बोलिए। अरे इधर आओ भाई, कुछ चुप रहो। मुझे चुप रहने को इसलिए कह रहा हूँ
ताकि जासूसी का केस मुझ पे साबित ना हो। अरे मरवाओगे क्या, खून के इल्जाम से तो अच्छा है ना कि जासूसी का इल्जाम लगे। माफ करो यार सर, सर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ सर। ये देखिए सर, कार्तिक कुमार की जासूसी जरूर करवाई, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कहीं वो हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी चुरा के अपने सस्ते मोबाइल तो नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि सर वो मोबाइल लॉन्च करने से पहले वो हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था और 5 साल तक उसने यहाँ काम किया। यहाँ से निकलते ही ये मोबाइल लॉन्च कर दिया, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल के टक्कर में, उसका मोबाइल बेहद कम कीमत में। सर इसीलिए उसकी जासूसी करवाई। लेकिन सर ये, सर जब मैंने देखा, मास्क पहनकर आए हुए लोग कौन थे? इसलिए आए होंगे सिर्फ 10 फोन चुराने के लिए? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो और है, कुछ ना कुछ तो और है। सर अजीब बात ये भी है कि डाका पड़ने के बाद कार्तिक ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। यहाँ तो लोग छोटी मोटी चीजें चोरी होने की भी कंप्लेंट करते हैं, इसके तो 10 फोन चोरी हो गए, सारी मेहनत गड्ढे में चली गई। अरे हमारा पैसा डूब गया, नए फोन के लिए पैसे दिए थे हमने, और ये आराम से यहाँ बैठ के अपना बैग पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर सर ये सोचो कि ये जा कहाँ रहा होगा? वो जानता होगा कहाँ गया कार्तिक। सर ये तो मैं नहीं जानता, मुझे कुछ और भी फुटेज दिखानी है जो मैं दिग्विजय की गाड़ी के डैशकैम से मिले थे। सर इसके बाद कार्तिक दिग्विजय को नहीं मिला। सर मतलब साफ है कि कार्तिक की मौत के पीछे दिग्विजय का कोई हाथ नहीं। ये सारा फुटेज हमें चाहिए। ये कार्तिक लैपटॉप पर कर क्या रहा है? सर फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा था। सर मैंने उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक की, उसने रात 9 बजे मालदीव जाने की फ्लाइट टिकट्स बुक की थी। सिर्फ जाने के, आने के नहीं? नहीं सर, उसकी फ्लाइट सुबह 10 बजे की थी, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही उसका खून हो गया। सिर्फ यही नहीं सर, उसने रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच पनामा के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। और वो 11 से सुबह 4 बजे तो वो घर पे था नहीं सर, तो फिर उसने ये मनी ट्रांसफर कहाँ से किया? अजीब बात है, घर में डाका पड़ गया और ये छुट्टियां मनाने जा रहा था। छुट्टियां मनाने नहीं फ्रेडी, ये देश छोड़ के भाग रहा था। हमारे देश का मालदीव के साथ कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है, इसका मतलब ये कि हम किसी को भी मालदीव से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपराधी यहाँ पे अपराध करते हैं और मालदीव भाग जाते हैं। ये भी वही कर रहा था, लाखों करोड़ों रुपए लेके देश से भागने की तैयारी में। बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों के मेहनत के पैसे लेके भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया। नहीं करवाया गया, एक्सीडेंट करवाया गया बॉस। क्या मतलब? मतलब ये कि कार्तिक कार में से मुझे ये मिला है। क्या है ये? ये है CAN बस डिवाइस। CAN डिवाइस? ये वही अपना हैकिंग डिवाइस क्या? बिल्कुल अभिजीत, CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, जो स्मार्ट कार्ड्स में ये जो इंजन को कंट्रोल करने का यूनिट होता है, ये उसे कंट्रोल कर लेता है, हैक कर लेता है, और पूरी गाड़ी का कंट्रोल अपने पास ले लेता है। जैसे कंप्यूटर्स को हैक करते हैं वैसे? बिल्कुल दया, ठीक वैसे किसी ने इस डिवाइस के जरिए पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और फिर कार्तिक की कार का एक्सीडेंट करवा दिया। और इतना ही नहीं, खूनी चाहता था कि इस एक्सीडेंट में कुछ भी ना बचे, कुछ भी है ना बॉस। वो आपको ज्यादा बढ़ाने वाला वो केमिकल, हाँ, मुझे कार के मलबे में
उस केमिकल के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। मैं अभी और भी कुछ चेकिंग कर रहा हूँ, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुरंत बताता हूँ, ठीक है? इस ट्रक को देखो, गड़बड़ लगता है। ये ट्रक दिग्विजय की गाड़ी को आगे जाने ही नहीं दे रहा है, अटका रहा है। ये ट्रक हटा सामने से तो कार्तिक की गाड़ी भी गया। तो लगता है इस ट्रक वाले को एक काम सौंपा गया था कि किसी भी हालत में ये दिग्विजय कार्तिक को फॉलो नहीं करना चाहिए। पर कौन हो सकता है वो, पता लगाना पड़ेगा। ये कौन है? 3214 यही ट्रक है। hey, हाँ किसका ट्रक है ये? ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ मेरा है, क्या हुआ? कल रात को ट्रक बहुत तेज चला रहे थे और एक काली गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। देख छूट मत बोल, वरना सीधे अंदर जाएगा जेल में, समझा? सब बताता हूँ साहब, कल रात मुझसे मिलने दो आदमी आए थे। ओए, एक काम करेगा क्या? क्या काम है, कौन हो तुम लोग? मुफ्त में नहीं, काम के पैसे दे रहा हूँ। काम क्या? एक काली गाड़ी का रास्ता रोकना है, इसका नंबर दे। ये नंबर। एक घंटे बाद जेपी रोड पहुंच जाना। भाई इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है ना? कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ उस काली गाड़ी का रास्ता रोकना है, समझा? सकले तो देखी नहीं साहब, उन्होंने मुझे पैसे दिए और गाड़ी का नंबर दिया, बोला सिर्फ वो कार को रोकाना। अब दो मिनट का काम के लिए मुझे इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था साहब, इसलिए मैंने कर दिया। हो गया कैसा था, कुछ याद है? साहब वो दोनों बहुत हट्टे कट्टे, और हाँ साहब जब मैंने वो काली गाड़ी को रोका ना तो वो दोनों वहीं थे, दोनों ने पिस्तौल निकाला और आगे वाली कार में घुस गए। और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत काम नहीं किया, तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे तुम? मुझे क्या पता था साहब कि ऐसा होने वाला है। जब पता चला तो पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं डर गया था साहब। कार्तिक के घर में डाका डाला दो लोगों ने, दिग्विजय की गाड़ी रोकने के लिए ट्रक वाले को पैसे दिए दो लोगों ने, और कार्तिक के गाड़ी में गन दिखाकर घुसे दो लोग। है कौन ये दो लोग, कौन है ये? सर अगर इन दो लोगों ने कार्तिक को किडनैप किया और कार्तिक इनके पास रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक था, तो मतलब साफ है सर, जिन विदेशी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो कार्तिक अकाउंट तो नहीं हो सकते। लेकिन सर 5000 के फोन के लिए इतना सब कुछ? सर 5000 का फोन ही तो इतना बड़ा राज बना हुआ है, इसी वजह से तो कार्तिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कार्तिक की मौत का राज भी उसी मोबाइल फोन में है। चलो ये मोबाइल हम बनाते हैं। मतलब सर? कार्तिक के इन्वेस्टर्स ने हमें बताया कि कार्तिक ने अलग अलग स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपनियों से बना लिए थे इस फोन के लिए। सर हमने इस कार्तिक का अकाउंट से चेक किया है, उसके अकाउंट से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बस तो चलते हैं इन 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और अलग अलग स्पेयर पार्ट लगाकर फोन बनाते हैं। सर ये 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो खाली थे, आपको लगता है यहाँ कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, चलो चलकर देखते हैं। हाँ सर, मिस्टर कार्तिक कुमार हमारे ही क्लाइंट हैं। पी स्क्वायर फोन का लुक और उसका जो पैकेजिंग का डब्बा है वो हमने ही डिजाइन किया है। और वो बाहर की जो प्लास्टिक बॉडी होती है वो? हाँ हाँ वही। अच्छा वो जो 5000 फोन्स की आपको ऑर्डर दी थी बनाने के लिए, क्या बनवा दिए? 5000? हाँ। नहीं सर, मिस्टर कार्तिक ने हमें सिर्फ 10 पीसेस का ऑर्डर दिया था और वो तो हमने कब का बना के उनको डिलीवर कर दिया। यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा।
कार्तिक ने फोन की बॉडी लेक्ट्रा डिजाइन में बनवाए थे। हाँ, लेक्ट्रा डिजाइन। मगर सर उसने फोन के बाकी के पुर्जे बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किराए पे ली थी, मगर वहां पे कुछ बनवाया नहीं उसने। बनवाए नहीं? लेकिन सर उसने फोन्स कहीं तो बनवाए होंगे। कहाँ? कहीं भी नहीं पूर्वी। उसने फोन कहीं भी नहीं बनवाए। कहीं भी नहीं मतलब? तू क्या बोलना क्या चाहता है? बॉस, उसने फोन बनवाए नहीं, बल्कि फोन के अलग अलग पार्ट्स को लेकर के खुद असेंबल किया है। अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को लेकर उसने फोन असेंबल किया? हाँ। यानी तू दावे के साथ कैसे कह सकता है? हाँ बॉस, उस मलबे में मुझे एक नहीं पूरे 11 फोन मिले। 11? 11 मोबाइल फोन? हाँ। एक तो कार्तिक की लाश के बिल्कुल पास में था, जो शायद उसका अपना पर्सनल फोन होगा, और बाकी के जो 10 फोन हैं, वो उसकी कार की पिछली सीट पर पड़े हुए थे। 10 और फोन? यानी पी स्क्वायर प्लस के वो 10 मॉडल जो कार्तिक लॉन्च करने वाला था? एग्जैक्टली वही 10 मॉडल। इन फोन्स में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बैटरी और कुछ पुर्जों को जब लैब में अच्छी तरह से चेक किया तो मैं चौंक गया बॉस। मुझे पता लगा कि ये फोन तो दरअसल इलेक्ट्रा एक्स कंपनी के फोन है। क्या? ये कैसे हो सकता है सर? पता नहीं, लेकिन दया हुआ ऐसा ही है। मैंने कंपनी के इंजीनियर को बुला करके उससे कंफर्म भी कराया। उस इंजीनियर ने भी यही कहा कि ये फोन हमारी कंपनी का ही है, इलेक्ट्रा एक्स कंपनी का। मतलब कार्तिक ने इलेक्ट्रा के पुराने पुर्जे को वो जो नया डिजाइन किया हुआ बॉडी पैनल था उसमें फिट करके उसे आधे से भी कम दाम में बेचने की कोशिश की। ऐसे कोई क्यों करेगा? पैसा दया, पैसा। वो नया फोन बनाना ही नहीं चाहता था, इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर रफु चक्कर होना चाहता था। और क्या, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, सबको बुला लो, बताते हैं उनको ये कार्तिक ने कैसा धोखा दिया है उनको। ये आप क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा धोखा? और हमारे पैसे, कार्तिक ने उनका क्या किया? मरने से पहले कार्तिक ने सैकड़ों करोड़ रुपए रातों रात पनामा के कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए, और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हम लोग पनामा के उन बैंक खातों की छानबीन नहीं कर सकते, तो आपके पैसे मिलने के चांसेस थोड़े कम है, ना आपके और ना ही उन कस्टमर्स के जिन्होंने पहले ही वो फोन्स बुक किए थे। लेकिन वो मरा कैसे? मतलब एक्सीडेंट था या खून? खून, कार्तिक का खून हुआ था। एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट कराया गया। एक्सीडेंट करवाया गया था तो खूनी कौन है? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर, आप सर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगा है। कार्तिक की बहन कृतिका जो लखनऊ में रहती, उससे मेरी बात हुई। उसका कहना है कि कार्तिक ने उसे एक लिफाफा कुरियर किया था मरने से कुछ घंटे पहले। उसमें कत्ल के खिलाफ कुछ सबूत है और कार्तिक की लिखी हुई एक चिट्ठी जिसमें लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लिफाफा CID को दे दे। फैंटास्टिक वर्क पूर्वी। काम करो, उसे कहो कि वो लिफाफा हमें भेज दे जल्दी से जल्दी। हाँ सर, कल वो मुंबई आ रही है वो लिफाफा लेके। यहाँ पर उसे कार्तिक की बॉडी भी क्लेम करनी, और यहाँ आते ही वो होटल रिसोर्टियो में चेक इन करेगी और फिर हमसे मिलेगी। होटल रिसोर्टियो, कृतिका। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। आप कृतिका जी है ना? जी हाँ। हमें CID ने भेजा है आपको लेने के लिए। ओह अच्छा, ओके। आइए ना हमारे साथ, कार उस तरफ खड़ी है। जी, कहाँ है गाड़ी? वो रही कार। अरे ऐसे भी सर? यस सर, सर आप लोगों ने जो कार भेजी है ना वो मिल गई। मेरा फोन, मुझे क्या कर रहे हो? कौन तुम लोग? चुपचाप। अरे मेरा फोन जल्दी देख, लिफाफा अंदर होगा। कौन तुम लोग? लिफाफा कहाँ है? कहाँ है लिफाफा? छोड़ो मुझे, लाओ मेरा फोन। पूछ रहा हूँ लिफाफा कहाँ है? मिल गया? मिलेगा भी नहीं। युवा श्री, तो पागल हो गई क्या? लिफाफा चाहिए? आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू ऑफिसर मीरा, अब आप जा सकती हैं। इनको हम लोग संभाल लेंगे। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। ऑफिसर मीरा, फिर कृतिका कौन है? कृतिका नाम की कार्तिक की कोई बहन थी नहीं। इस कृतिका को तो हमने पैदा किया असली खूनी को पकड़ने के लिए।
इस केस में हमें सब पे शक था, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स फोन वाले हों, ऑनलाइन शॉप वाले हों या फिर इन्वेस्टर्स, वो फोन पाने के लिए कोई भी कार्तिक का खून कर सकता था। और जैसे ही पता चला कि कार्तिक फोन को लॉन्च किए बिना यहां से भाग गया तुम सबको बेवकूफ बना के, तभी क्लियर हो गया था कि कार्तिक का खून वही कर सकता है जिसे कार्तिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ, यानी कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे जो लगाए थे। मगर आप तीन हैं, आप में से वो कौन है जिसने ये किया है, ये जानने के लिए हमें कृतिका का नाटक करना पड़ा। सुन ली हमारी कहानी अजीत जी? अब अपनी भी कहानी सुनाइए, लेकिन कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे आदमियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। चलो बताओ। क्या बताऊं सर, 18 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं, आज तक कभी नुकसान नहीं किया, कार्तिक मुझे चुना लगा गया, शक तो मुझे पहले से था उसके ऊपर, कभी कुछ बताता ही नहीं था, सब कुछ सीक्रेट रखता था, और यहां लॉन्चिंग का दिन नजदीक आ रहा था और टेंशन हो रही थी, हाई बीपी हो गया था, मैंने अपने आदमियों को उसके घर भेजकर फोन को चुरा लिया। जब मुझे पता चला तुझे क्या लगा था, मुझे चुना लगाकर तू ये शहर छोड़कर विदेश भाग जाएगा और मैं तुझे ये करने दूंगा? करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं अजीत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम कोई मोबाइल लॉन्च नहीं करने वाले थे, वो P2+ का पैनल बना के हम सबसे पैसा ऐंठना चाहता था लॉन्चिंग के बहाने। ऐसा 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 तो कुछ भी नहीं है अजीत, तुम चुप, एकदम चुप। अब मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप करो। मेरे पनामा के अकाउंट में जो मैंने खोल के रखा है उसमें सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर। निकाल, आउट। एक मिनट, मैंने वो फोन्स भी उसको दे दिए, सोचा कि आग में जलकर राख हो जाएंगे, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। वरना क्या, जब तुम्हें पकड़ नहीं पाते। अजीत जी तुमने ये भूल नहीं की तो कोई और भूल करते, और हमारे हाथ तुम तक जरूर पहुंचते। भूल गए तुम कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कार्तिक ने तुम्हें धोखा दिया तो गुस्से में आकर तुमने उसकी जान ली, अब कानून तुम्हें मौका देगा सोचने के लिए कि क्या तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया, लेकिन ये सब जेल की सलाखों के पीछे, शायद उम्र भर।